हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अभी है मॉर्निंग टाइम, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। और आज ना ब्रेकफास्ट में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने बनाए आलू फ्राई, जो कि घर में सबको बहुत पसंद आते हैं और स्पेशली मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी करे हुए आलू। तो फिर फटाफट से मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया। पापा मॉर्निंग में ऑफिस चले गए थे, यहाँ पर मैं, अमित और मम्मी, हम तीनों के लिए मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट। ये लीजिए मैडम। सो फाइनली ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट हो चुका है और अभी मुझे थोड़ा सा यू नो सलून जाने का, मतलब मैं मोस्टली कम ही जाती हूँ सलून में, तो यहाँ पे मुझे अपने हेयर वैक्स करना था। तो मैं अपने अपर लिप्स वगैरह को हेयर वैक्स कर रही थी, बिकॉज़ आज रात को हमें जाना है उत्तराखंड, तो इसके लिए सोचा कि घर पे ही मैं अपना मतलब कर लूँ जो भी थोड़ा सा होता है। और वैक्स पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो हेयर ग्रोथ आ जाती है यार मुझे जल्दी से, एंड मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो हेयर ग्रोथ से परेशान रहते हैं, तो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है वैक्सिंग का। उससे थोड़ा काफ़ी टाइम बाद आते हैं, लेकिन अगर आप लोग वैक्सिंग में कम्फर्ट नहीं रहते तो आप यू नो सेविंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी जो सेविंग रेजर्स आते हैं ना अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड बाल आते हैं या मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बोलने वाली बातें हैं। बेस्ट ऑप्शन है वो रेजर भी इस्तेमाल करना। वैक्सिंग को आपको थोड़ा संभल के इस्तेमाल करना पड़ता है ना, कहीं आपका स्किन जल ना जाए या स्किन निकल ना जाए। तो अब उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे एलोवेरा जेल, क्योंकि वैक्स के बाद एलोवेरा जेल की मसाज करने से ना बहुत अच्छा सूथिंग इफेक्ट मिलता है। एंड फाइनली फिर मैं शावर वगैरह नहा वहा के मैंने अपने बैग्स वगैरह पैक कर लिए, अपनी ब्यूटी की चीज़ें कुछ रख रखी थी, फाइनली कुछ छूटे ना बस, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। उसके बाद अब बारी आती है दिन के लंच की, और फिर मैं दिन में लंच में आज मैंने प्रिपेयर किया दही तड़का, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पे देख के बनाया था ऐसे ट्राई करने के लिए कैसे बनता है, लेकिन उसके बाद तो मैंने कई बार बना दिया बिकॉज बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जब ये बहुत टेस्टी बना था उसके बाद मैंने इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करी, जो कि मेरे फूड वाले चैनल में है, प्रीति की दुनिया वाले में, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और एक बार डेफिनेटली मेरे कहने पे दही तड़का ट्राई करना, और अगर आप फ्राइड राइस के साथ करते हैं ना और तो और ज़्यादा टेस्टी होता है, तो मैंने फ्राइड राइस करे थे उसके साथ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वैसे तो ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से हो गई है, सो फाइनली मेरी पैकिंग वगैरह डन हो चुकी है, एंड आज है 16th of May और हम मतलब बहुत एक्साइटेड हैं आज, बिकॉज़ जा रहे हैं उत्तराखंड प्रीशा की नानी के पास, यानी मेरी मम्मी के पास। और सबसे स्पेशल थिंग ये है कि दैविक फर्स्ट टाइम जा रहा है अपनी नानी के पास, तो मम्मी पापा और ने अभी तक दैविक को नहीं देखा है, उसकी मामी और ने, बिकॉज़ पापा की तबीयत ख़राब रहती है तो वो ट्रैवलिंग नहीं कर पाते हैं मतलब ज़्यादा, तो वो कंफर्ट नहीं होते हैं, और दिल्ली में वैसे भी इतनी गर्मी होती है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए नहीं आ पाए वो उस टाइम जब दैविक हुआ था। सो फाइनली आज हम जा रहे हैं। और हमने हमारे में ये होता है कि अगर हम बच्चे को लेके पहली बार जाते हैं गाँव, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, और वही बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करते करते मैं थक चुकी हूँ आजकल, और अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे को लेके आनी है मार्केट से। एंड मम्मी और उन्हें मतलब ऐसे ही नहीं जा रहे, मम्मी ने पहले पंडित जी को दिन दिखाया कि कौन सा दिन अच्छा रहेगा प्रीति का यहाँ आने के लिए हमारे घर पे, तो 16 आज का दिन निकला है, और फिर आज हम जाएंगे, भाई लेने आएगा रात को। सो इस दिन का इंतज़ार मतलब हम ना पूरी गर्मियों का इंतज़ार ना पूरे साल भर होता है, बिकॉज़ देखो आसपास में जो जिनके पेरेंट्स होते हैं या मायका होता है, वो कभी ना कभी सुख दुख में उनको देख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ साल भर में एक बार जाते हैं, क्योंकि उस टाइम परीक्षा की छुट्टियाँ पड़ती हैं और बाकी टाइम स्कूल रहता है, तो साल भर में मम्मी पापा को देखना होता है बस। तो मैं तो हुई एक्साइटेड अपनी मम्मी पापा से मिलने के लिए, लेकिन प्रीशा तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है, मम्मी गाँव चलो, उसको तो रोक के रखा हुआ है कि 16 तारीख का दिन आया तभी हमने जाना है। बट सो फाइनली तैयारियां हो चुकी हैं और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे और भी सामान लेना है। सो अभी मार्केट से आती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ, और अब आज के बाद आपको मिलेंगे उत्तराखंड के खूब प्यारे प्यारे से ब्लॉग वहाँ के वादियों के। सो कंटिन्यू रहिएगा और वीडियोस को खूब सारा लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना और खूब सारा प्यार देना, ठीक है? सो बढ़ते हैं दुकान में खाना, मार्केट के लिए भी निकल चुके हैं। सो फाइनली अभी आई हूँ मार्केट से, उसके बाद मतलब थोड़ी देर पहले आई थी, उसके बाद मैं थोड़ा सा डूबी के साथ लेट गई थी, अभी उठ रही हूँ, जस्ट इवनिंग टाइम है। डूगी कपड़े नीचे करो। और ना हम जा रहे हैं, मम्मी और बहुत मिस करने वाले हैं डूगी को, बहुत ज़्यादा याद आती है ना, है ना, है ना टिकू, है ना टिकू, हम भी मतलब मिस करते हैं जब हम जाते हैं ना, तो फिर मतलब कुछ टाइम जैसे 10-12 दिन रहो गाँव में, फिर हमें लगता है कि यार हमें वापस दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि मम्मी और की याद आती है।
मतलब शादी के बाद लाइफ ऐसी जाती है ना, इंसान उधर का रहता है ना इधर का, दोनों जगहों से इमोशन ना कनेक्ट हो जाते हैं ना, अपने सास ससुर मम्मी औरों से दूर आ जाता है ना, पापा औरों की तो फिर याद आती है, फिर तो फिर आदमी ना कहीं का नहीं रहता। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, आई डोंट नो औरों के साथ होता है कि नहीं होता, बट मेरे साथ तो होता है। क्यों हंस रहे हो आप? स्माइल। पापा आए वहाँ से ड्यूटी से, पापा लेके आए समोसे। पापा को लग रहा है आज हम गांव जाएंगे ना, तो गांव के लिए दूर जाना पड़ता है खाने वाली चीज़ों के लिए। बट मैं घर में बनाऊंगी न्यू रेसिपीज। सो अभी जस्ट भाई का फ़ोन आया है कि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। तो अभी मैं फटाफट से समोसा थोड़ा सा इन्जॉय करूँगी, उसके बाद रेडी होंगी, प्रिशा को भी या दावी को भी रेडी करूँगी। सो आज का ब्लॉग रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़। एंड उत्तराखंड के खूबसूरत ब्लॉग्स में आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।